हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये कुरकुरी करारी अरबी बनाने वाले हैं। तो बाहर बारिश का मौसम हो, अंदर हम लोग घर के अंदर करारी कुरकुरी अरबी फ्राई करके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम मैंने अरबी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें बहुत मिट्टी लगी रहती है। तो इसको हम छीलने के लिए आसान मेथड है कि एक कुकर में हम एक विसिल लगा के इसको ले लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अरबी को एक विसिल लगा लिया है। सिर्फ एक ही सीटी लगानी है, ज़्यादा नहीं। इससे इसका छिलका जो है उतारने में बहुत आसानी रहती है। और देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका हम लोग हाथ से ही निकाल सकते हैं। तो छिलका अलग कर लेते हैं पहले अरबी का, और ऐसे आप उतारने जाएंगे तो आपके हाथ में भी खुजली होने लगती है और वो जल्दी नहीं निकलता है। और इस तरह कर लेने से बहुत आसानी से हो जाता है, अपना काम फटाफट हो जाता है। तो हम छिलका उतार के अरबी अपनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी अरबी छिलका उतार के अच्छे से तैयार कर ली है। अब हम इसको पतला पतला काट लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा पतला, बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं करना है। देखिए, में मैं ऐसे चार चार टुकड़े कर रही हूँ, बस इतना ही रखेंगे क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऐसे ही थोड़ा श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है थोड़ा। तो अरबी मैंने काट के तैयार कर ली है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए इसका मसाला बनाएंगे। तो हम इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद डालेंगे अजवाइन। फ्रेंड्स, इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप अजवाइन इसमें ज़रूर डालें। रेड चिली पाउडर आप जितना तीखा बनाना चाहें उतना डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है, और ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा खटास भी अच्छी लगती है, और क्योंकि ये अरबी है तो थोड़ा खट्टापन इसमें रहेगा तो अच्छा रहता है। और अमचूर के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये देखिए, मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया है। सब चीज़ों को इसके अच्छे से इवनली स्प्रेड करें। और उसके बाद ये मैंने अदरक और लहसुन को दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी का यूज़ थोड़ा कम ना ही करें तो ठीक है। मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, इसलिए मैंने पेस्ट यूज़ नहीं किया है, उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन हम इसको सिर्फ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डालें। बाइंडिंग मतलब कि थोड़ा इसमें बस मैरिनेट हो जाए। तो मैंने 3 छोटा चम्मच मैंने बेसन का यूज़ किया है। आप देख लें, कई बार अरबी से पानी रिलीज होता है थोड़ा बहुत, ऐसे तो सूखी रहती है। तो नमक डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद बेसन में नमक जाता है, और भी मैंने मसाले डाले हैं, थोड़ा अदरक लहसुन भी डाला है, तो उससे पानी थोड़ा बहुत निकलता है। तो इसलिए आप पानी का यूज़ यहाँ बिल्कुल ना करें। और अब इसको अच्छे से स्पून से मिला लें, और थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि हमने इसको उबाला है। एक सीटी कुकर में हमने इसको उबाल लिया है तो ये सॉफ्ट हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान से करें, नहीं तो टूटने लगेगी। तो आराम से इसको अच्छे से मिला दें ताकि पूरे मसाले की इसकी कोटिंग हो जाए। और इसको अच्छे से मिला के हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद हम चेक करते हैं, आधा घंटा हो गया है। देखिए, हमारी अरबी अच्छे से मसालों की कोटिंग इस पर हो गई है। इसने नमक सब मसालों को अच्छे से सोख लिया है। तो चलिए, अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, तेल मैंने डाल दिया है गरम होने के लिए। तो हम इसमें एक एक करके अरबी अपनी डालेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमें तेज़ थोड़ा गर्म तेल ही चाहिए, और एक साथ सब ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें स्पून से, और उसको अलग अलग कर दें ऐसे। और अलग ना करेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो इस तरह से देखिए, हम हाई फ्लेम पे हमको अरबी पहले डालनी है और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम हमको लो टू मीडियम कर लेना है, क्योंकि हमको इसको करारा बनाना है, क्रंची बनाना है। तो आराम से इसमें हम होने देंगे, इसको बार बार नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अरबी हमने, मैं बार बार बता रही हूँ कि मैंने अरबी एक सीटी लगा ली है, तो ये नरम है बिल्कुल। और थोड़ा ध्यान से इसको फ्लिप करें, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अरबी हमारी फ्राई हो रही है और कितना अच्छा इसका कलर भी लग रहा है। तो आराम से ध्यान से करें इसको और बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें थोड़ा, ताकि ये हर तरफ से फ्राई हो जाए अच्छे से। तेल हमारा अच्छा लाल उबल रहा है एकदम, अरबी हमारी धीरे धीरे फ्राई हो गई है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हमारी अरबी बिल्कुल तैयार है, हम इसको धीरे से पलट के फिर से, आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया है। क्रंची अरबी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल भी बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रहे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं, अभी हमारी अच्छे से पक के तैयार हो गई है। तो हम इसको प्लेट पे ऐसे थोड़ा साइड में ऐसे रोक लें, ताकि जो तेल एक्स्ट्रा हो निकल जाए, और किसी प्लेट पर हम किचन टॉवल या कोई टिश्यू पेपर लगा करके इसको इस पर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं अरबी का कलर कितना अच्छा आया है, ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आप अरबी को किसी भी पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे भी कभी भी जब मन करे आपका, आज का सीज़न है, अरबी मार्केट में मिलती है, तो कभी भी ला के आप बना के खा सकते हैं। ये क्रंची और सॉफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें रहता है,